वेलकम टू द पाकिस्तानी ब्रोज रिएक्शंस। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम वजाहत है, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को हमारे नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। तो आज की वीडियो का जो टाइटल है वो है मोदी के कॉन्फिडेंस ने तो सुपर पावर को भी कोने लगा दिया। मतलब मोदी जी के कॉन्फिडेंस इतना है कि उसने अमेरिका को भी मतलब कोने से लगा दिया, एक मतलब साइड पे कर दिया। क्या सीन हुआ? पाकिस्तानी मीडिया इतनी तारीफ क्यों कर रहा है? क्या सीन हुआ? वीडियो देखेंगे तब पता लगेगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट ऑन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। वजह क्या है? मतलब नरेंद्र मोदी जी बड़े कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन बाइडेन साहब क्यों ऐसे स्ट्रेस दिखाई दे रहे हैं? क्या वजह है? बाइडेन की फटी पड़ी है, मतलब डबल माइंडेड है, कि क्या करता है क्या नहीं करता, या क्या वजह हो सकती है इसकी? लेकिन मोदी जी बड़े जी रोज करता है, कोई मसला नहीं। कीमतें आसमान को जाके लगी हैं, डॉलर की कीमत कहां से कहां चली गई, दौर में आईएमएफ ने मुंह पे चपेट मार के वापस भेज दिया। सबसे रिचेस्ट डायस्पोरा इंडियन वहां पे, सबसे हाईएस्ट डायस्पोरा पर कैप्टन इनकम वाला इंडियन, उनकी कंपनियों को जो आजकल चलाता है, लिटरली जो कंपनियां चलाता है, अगर ज्यूस इंडियन अमेरिकन इकोनॉमी, इंडियंस कंट्रोल द अमेरिकन कॉर्पोरेट्स। मुझे बाशिर साहब ने कहा है कि जी इंतखाबात के हवाले से जब तक सरबरा इमरान खान साहब की डिक्टेशन नहीं चलेगी, इंतखाबात कब करानी है इसका फैसला ऐवान करेगा। वो एज ए कस्टमर जाते हैं उनके पास देने के लिए बहुत कुछ है, लेने के लिए सपोर्टर है, हमारे पास ना देने के लिए कुछ है ना लेने के लिए पैसे। क्वाड का या ऑस्ट्रेलिया या उनके रिलेशनशिप या जय शंकर से अपने आप को कंपेयर करना मेरे ख्याल में बहुत बहुत ज्यादती होगी। मजहबी टच दे दो, क्योंकि यहाँ आदमी मजहब के नाम पर तो बेकाबू हो ही जाता है। ये जो उन्हें लाखों इंजीनियर चाहिए अपनी आईटी को चलाने के लिए, वो कहाँ से आते? वो इंडिया से आते हैं। टाटा सेंटर कहाँ है? इंडिया में है। उनका बैकएंड कहाँ है? इंडिया में। ट्रेड किसके साथ हो रहा है? इंडिया के साथ। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि इस बार कोर्ट की बैठक में प्राइम मिनिस्टर मोदी का आत्मविश्वास देखने ही वाला था। यूं कहा जाए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का कॉन्फिडेंस जो बाइडेन से भी ज्यादा था। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने आप एक उच्च कोटि के वर्ल्ड लीडर के तौर पर पेश किया। आज तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी के आत्मविश्वास की बात हो रही है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर कहीं भी जाता है तो सिर्फ भीख मांगने जाता है, जबकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर की प्रेफरेंसेस और होती है। भारत में इसीलिए हर जगह से धड़ाधड़ निवेश आ रहा है और पाकिस्तान में लोग सड़कों पर हैं और अपने ही मुल्क की प्रॉपर्टी को आके हवा में उड़ा रहा है। पाकिस्तान आज अपनी पॉलिसीज की वजह से सिर से लेकर पांव तक कुछ ज्यादा ही हो गया। पाकिस्तान में इतनी ज्यादा महंगाई से अफरा तफरी है। आज की वीडियो में अब 6 दिन में कुछ क्या हुआ तो जनाब, सो फ्रेंड्स इंटरेस्टिंग वीडियो, थैंक यू सो मच। वजह क्या है? मतलब नरेंद्र मोदी जी बड़े कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन बाइडेन साहब क्यों ऐसे स्ट्रेस दिखाई दे रहे हैं? क्या वजह है? बाइडेन की फटी पड़ी है, मतलब डबल माइंडेड है कि मतलब क्या करता है क्या नहीं करता, या क्या वजह है? लेकिन मोदी जी बड़े क्लियर है जी, स्टेटमेंट देने ही नहीं दी। हाँ, फगर मैं इसी पे कंट्रीज को मिले। देखिए, ये सब तो हमने इसके फायदे नुकसान गिना लिए। अब इसमें एक चीज आ गई, अब यहाँ बहुत बड़ी कवायद चल रही थी, बहुत एनालिस्ट का ये मानना था कि रशिया वाला मसला उठेगा जी। मैं शायद एक वाहिद आदमी था जिसने डिक्लेयर किया था कि रशिया और चाइना की बात भी नहीं आएगी। अगर आप ज्वाइंट स्टेटमेंट देखें ना, उस पर रशिया ना चाइना है, और दूसरे ये अटकलें लगाए जा रहे थे काफी। हमारे एनालिस्ट बहुत महान है, उन्होंने बोला था जब मोदी जी बाइडेन साहब के सामने आएंगे तो रशिया यूक्रेन वाला मसला उठेगा। मैंने ये बताया था उनको, भाई ये मसला उठ ही नहीं सकता, बिकॉज जियोपॉलिटिक्स क्रिकेट नहीं कि आपने 6 बॉलें करनी और मुझे 6 बॉलें डक करनी है। जियोपॉलिटिक्स में आप तीर तभी चलाते हो व्हेन यू आर शूटिंग टू किल। After what happened in US with Secretary of State, मैंने बोला था Joe Biden will not bring up Russia and Ukraine because they know कि India is not going to change your position. अब why should he get humiliated at the world stage by bringing it up again? मैंने कहा वो उठाएगा ही नहीं। देखिए, ये सेम डिप्लोमेसी में मुद्दे तभी उठाए जाते हैं when you are going to gain. क्रिकेट मैच नहीं है कि भाई आपने 6 बॉलें तो करनी और मेरे को 6 बॉलें खेलनी है, ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला था ना रशिया आएगा ना चाइना का, ना रशिया यूक्रेन की बात है। बोलने ही नहीं दिया उन्होंने, ये किया, ये बहुत क्लियरली हो गया। अब आप बोले पावर चाइना और सॉरी, अभी जो इंडिया और यूएस की फकर भाई परिस्थिति है, ट्रस्ट और ट्रेड और पार्टनरशिप इज अ कंपल्शन नॉट ऑप्शन। जैसे
सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हम उनके चाइना के बाद, हमारे साथ उनका 20 बिलियन का केवल डेफिसिट है, वो भी हम हथियार खरीद लेते हैं। दूसरी बात, सबसे रिचेस्ट डायस्पोरा इंडियन वहां पे, सबसे हाईएस्ट डायस्पोरा पर कैप्टन इनकम वाला इंडियन, उनकी कंपनियों को जो आजकल चलाता है, लिटरली जो कंपनियां चलाता है, अगर ज्यूज कंट्रोल द अमेरिकन इकोनॉमी, इंडियंस कंट्रोल द अमेरिकन कॉर्पोरेट्स। उनके यहाँ 30% जो वॉटन हो, कैलॉग हो, कॉर्नेल हो, जो आज वॉटन का, कैलॉग का डीन कौन है, दे आर अगेन पीपल फ्रॉम इंडियन ऑरिजिन, आज वहाँ पे पॉलिटिक्स में है। दूसरी बात, ये जो उन्हें लाखों इंजीनियर चाहिए अपनी आईटी को चलाने के लिए, वो कहाँ से आते हैं? इंडिया से आते हैं, बिल्कुल वो इंडिया से आते मतलब हैं। मतलब देखा जाए तो हर चीज में वो इस टाइम ना अमेरिका जो है ना वो इंडिया का पीछे लगा आगे पीछे लगा हुआ है, बिल्कुल। मतलब इस टाइम अगर अमेरिका को एक तरह से चला रहे ना, आधे से ज्यादा अमेरिका वो इंडिया के इंजीनियर, डॉक्टर, मैं कहता हूँ साइंटिस्ट, उसके बाद ये सारे इसरो के नासा के अंदर, नासा के अंदर, सॉरी मैं अब तो ना, तुझे कभी पता लगा इसरो में कुछ बाहर का? नहीं, सारे इंडियन है, और कितने कम बजट में अमेरिका से भी बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं। और देख उसका क्या कहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट इंडियन, एक बात है ना भाई, उनका एनएसए इंडियन है, उनका मेरे ख्याल में हर जगह पे लगभग देखा जाए क्या, कुछ जगहों पे यार मतलब इंडियन अपना उधर सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले इंडियन, एग्जैक्टली सबसे ज्यादा, जो भी जहाँ पे भी नाम आता है उसमें इंडियन का आता, बड़े बड़े इसी ने खुद बोला था कि इंडियंस हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, उसने सबके सामने बोला था, दुनिया का बिल्कुल आज वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहा है, अमीर तरीन बन रहा है, और वो इस तरह बात, मुझे तो डर इस बात का एक टाइम ऐसा ना है कि भाई जो आज वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका की, वो वहाँ की प्रेसिडेंट ना बनी, जो बाइडेन था पहले, बिल्कुल ओबामा के टाइम पे सारे सीन हो सकते हैं। फिर तो कितने कंट्रीज में मेरे ख्याल में इंडियन ओरिजिन के भी बीच में प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, बीच में क्या कुछ है, बहुत ज्यादा। तो ये देखा जाए तो इंडिया की ये चीज पावर बताती है। और जो क्वाड की मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने बोलने की कोशिश की थी रशिया का मुद्दा, और ज्वाइंट स्टेटमेंट निकलती है ना, उसमें फिर ज्वाइंट स्टेटमेंट में सारे कंट्री शामिल होते हैं। अगर रशिया के खिलाफ ज्वाइंट स्टेटमेंट निकलती तो वो इंडिया की तरफ से भी मानी जाती, बिल्कुल। जो मोदी जी ने उनको बोलने ही नहीं दिया रशिया, स्टेटमेंट में कुछ आया ही नहीं, मतलब स्टेटमेंट में चीज निकल गई कुछ नहीं, सारी सिचुएशन पर क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में। तो इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, बाय।